आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। लेकिन वीरेन जो आपके साथ कर रहा है वो देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुखी हूँ मैं, और मुझसे तो 100 गुना ज्यादा आप दुखी होंगी। अगर हस्बैंड ही ऐसा करे, वही बेवफा निकले, तो बेचारी वाइफ भी क्या कर सकती है। और वीरेन से मुझे उम्मीद नहीं थी, अब मुझे समझ में आया कि वो मेरी शादी विधि से क्यों नहीं होने देना चाहता। वो तो खुद की सेटिंग करने में लगा है चुपके चुपके। अर्शद जी, भाभी क्यों गई थी मुझे छोड़कर? प्लीज आज के बाद दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना। क्यों? आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है ना? आपका प्यार, आपकी खुशी तो किसी और में है। अब मैं आपकी जिंदगी का, आपकी जिंदगी तो विधि। जीविका तुम कैसी बातें कर रही? मेरी जिंदगी, मेरा प्यार सिर्फ तुम और कोई और नहीं। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो मैंने सुना, क्या था वो सब विरेंच? बोलिए ना, मैं बताती हूँ। ये जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, जितना भी तमाशा खड़ा हुआ है, सब हर्षद की वजह से हुई। जिंदगी भर यही तो करता है। जिंदगी भर मतलब तुम हर्षद को पहले से जानती हो? किससे नहीं जानूंगी जीविका जी, वो मेरा पति जो है। क्या हर्षद तुम्हारा पति है? ये सब क्या हो रहा है? यही सच है जीविका जी, दरअसल वो हर्षद नहीं, वो शशांक है, मेरा पति। हाँ जीविका, हर्षद तो 3 साल पहले एक प्लेन क्रैश में मर गया। तुम जिस हर्षद की बात कर रहे हो, वो 3 साल पहले अपने पूरे परिवार के साथ एक प्लेन हादसे में मारा गया है। नाम शशांक सिंह, विधि का पति। हर्षद ने मुझे मैसेज भेजा। विधि, मैं भरी पार्टी में तुम्हें किस करूंगा? सारी सच्चाई यही है, और मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो। और ये सारी गलत फहमी मेरी वजह से हुई। मुझे ये सब आपको पहले ही बता देना चाहिए था। मैं आपकी गुनहगार हूँ जीविका जी, के लिए आप मुझे जो भी सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। पर गलती तो मुझसे हुई है, हो सके तो मुझे माफ कर। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, इतने परेशानियों के बावजूद भी तुमने मेरे बारे में सोचा, और मैं ना जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचती रही। नहीं जीविका, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी कि मैंने तुमसे जी, मैंने आप पर शक किया।
ना समझो। नहीं जीविका, अब अपने आप को कोसना बंद करो। मुझे तो बल्कि बहुत खुशी हो रही है कि मेरी खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। लेकिन शायद तुम एक बात भूल गई कि मेरी खुशी तो तुम हो, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार तुम हो जाएगा। इतनी देर हो गई, अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं? आ गए। इतनी देर तक तुम लोग कहाँ थे? हाँ, हम कब से परेशान हैं? और जीविका, तुम्हारा फोन क्यों बंद था? वो मां डिस्चार्ज हो गया होगा। लेकिन जीविका, तुम लोग गए कहाँ थे? कम से कम घर में किसी को बताकर तो जाते। बुआ जी, वो मैं मंदिर गई थी। मंदिर? इतनी रात को? जी मैम, दरअसल बात क्या कि विधि को घूमना था, जीविका और मैंने सोचा कि मंदिर ले जाते हैं। बेटा कम से कम बता देते हमें, हम खामखा परेशान हो रहे थे। चलो कोई बात नहीं, जाओ जाकर फ्रेशन अप हो जाओ और जल्दी से डिनर के लिए आ जाओ। जी। जीविका भाभी, भाभी आई नो आप कैसा फील कर रही होंगी, मुझे भी हैरानी हो रही है वीरेन और विधि के बीच की नजदीकियां बढ़ते देखकर। तो वीरेन आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आई नो, तभी तो आप तंग आकर घर छोड़कर जाने पर मजबूर हो गई। That's not right. I know आप ये सोच रही हो कि मुझे ये बात कैसे बताएं जब सारे घर वालों को नहीं पता, पर आप घबराओ मत भाभी, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला। मैं आपकी इमेज आपके परिवार वालों के सामने खराब नहीं कर सकता। लेकिन वीरेन जो आपके साथ कर रहा है वो देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुखी हूँ मैं, और मुझसे तो 100 गुना ज्यादा आप दुखी होंगी। अगर हस्बैंड ही ऐसा करे, वही बेवफा निकले, तो बेचारी वाइफ भी क्या कर सकती है। पर वीरेन से मुझे उम्मीद नहीं थी, अब मुझे समझ में आया कि वो मेरी शादी विधि से क्यों नहीं होने देना चाहता। वो तो खुद की सेटिंग करने में लगा है चुपके चुपके। हर्षद। जी भाभी। तो जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। झूठे धोखेबाज, शादी का मतलब भी समझते हो तुम? सब जान चुकी हूं मैं। विधि को कितना टॉर्चर किया है तुमने, कितने अत्याचार किए उस पर, सब पता चल गया मुझे, समझे? तो ये भी पता होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वीरेन ने ये भी बता ही दिया होगा। पर जानकर भी तुम कर क्या लोगी? जब तुम्हारा पति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तुम क्या बिगाड़ लोगी? इस गलत फहमी मत रहना शशांक। तेरा खेल खत्म। तुझे जितने पैतरे इस्तेमाल करने देना तूने कर लिए। अब अगर 48 घंटे में
मैंने तुझे इस घर से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम वीरेन में ठहरा नहीं। देख काम कर, तू ना अपने नामकरण के लिए रेडी हो जा। जब इतने दिनों में तू मेरा कुछ नहीं कर पाया तो अब क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा तू वीरेन। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।